सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर बॉय रोहित परमार और स्वागत है आप सबका एमपी बोर्ड एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। ये वीडियो क्लास ट्वेल्थ वालों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। वो स्टूडेंट जिनका मैथ सब्जेक्ट है उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे परीक्षा बोर्ड परीक्षा अध्ययन की और इसका कंपेरिजन करेंगे नूतन सुपर डाइजेस्ट 2023 के साथ। हमने वीडियो को सिंपल बनाने के लिए 5 पॉइंट ले रखे हैं जिनके बेसिस पर हम लोग इस वीडियो को देखने वाले हैं। पहला पॉइंट होगा प्रीवियस ईयर का रिज़ल्ट, किस गाइड का प्रीवियस ईयर का रिज़ल्ट अच्छा बेटा है उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे और कंपेयर करेंगे दूसरी गाइड के साथ। सेकेंड पॉइंट है हमारे पास फॉर्मेट, कि किसका फॉर्मेट किस तरह से डिज़ाइन किया जाता है। थर्ड पॉइंट हमारा रहेगा ऑब्जेक्टिव, किस में ऑब्जेक्टिव आसान भाषा में होते हैं, किसके ऑब्जेक्टिव ज़्यादा आते हैं एग्ज़ाम में और ऑब्जेक्टिव में क्या खास बात होती है किसी भी गाइड की हम लोग बात करें तो। उसके बाद फोर्थ पॉइंट हमारा रहेगा क्वेश्चन के सॉल्यूशन, क्वेश्चन के जो सॉल्यूशन होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, किस में सॉल्यूशन अच्छी तरीके से दे रखा है, कितने सिंपल लैंग्वेज में दे रखा है वो हम लोग बात करेंगे हमारे फोर्थ पॉइंट में। फिफ्थ पॉइंट हमारे लिए होगा एक्स्ट्रा, क्या एक्स्ट्रा होता है और किस गाइड में एक्स्ट्रा होता है इसके ऊपर हम लोग फिफ्थ पॉइंट में बात करेंगे। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट के साथ जो कि हमारा है प्रीवियस ईयर का रिजल्ट। तो बात करते हैं 2019, 2020 और 2022 की। 2019 में परीक्षा बोर्ड ने मात्र 30% रिजल्ट अपना दे पाई थी। अगर हम लोग बात करें सिर्फ सेट्स की, जो आगे सेट्स दिए होते हैं परीक्षा बोर्ड परीक्षा अध्ययन के आगे, तो वहाँ से मात्र 30% क्वेश्चन वहाँ से फंसे थे। अगर आपके पास 2019 का पेपर है, पेपर हम प्रोवाइड कर देंगे एमपी बोर्ड एजुकेशन ऐप के ऊपर, आप लोग देख सकते हैं वहाँ पर, और पहले से प्रोवाइडेड है 2019 का पेपर एमपी बोर्ड एजुकेशन ऐप के ऊपर। अगर आपके पास पेपर हो जाता है और आपके पास 2019 की परीक्षा बोर्ड या अध्ययन मिल जाती है तो आप लोग कंपेयर करके खुद देख सकते हो, हमने कंपेयर कर रखा है, आप लोग भी चाहें तो कंपेयर कर सकते हो। आप देखोगे सेट से मात्र 30% क्वेश्चन आए थे, कहाँ से, परीक्षा बोर्ड परीक्षा अध्ययन से, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग बात करें पूरी परीक्षा बोर्ड पूरी परीक्षा अध्ययन की, तो वहाँ से मात्र 70% फंसा था 2019 में। 2020 में भी यही हालत थी और 2022 में थोड़ी सी हालत सुधरी थी, 80% पेपर बैठा था, 80% बैठा था परीक्षा बोर्ड परीक्षा अध्ययन से। ओके, ये वीडियो हम ज़्यादा लंबा नहीं बनाना चाहते हैं क्योंकि लगता है वीडियो पहले ही बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम लोग चीज़ों को आसान रखना चाहते हैं और ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहते हैं। ओके चलिए, तो ये बात हो गई कि भैया 2019 और 2022 में 80% से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए थे परीक्षा बोर्ड परीक्षा अध्ययन से। मैथ्स की हम लोग बात कर रहे हैं, सिर्फ मैथ्स की ही बात यहाँ पर करेंगे, दूसरे सब्जेक्ट के साथ परीक्षा बोर्ड अध्ययन को कंपेयर ना करें, नहीं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं होने वाला है। सिर्फ मैथ्स के लिए हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। ओके ये बात हो गई हमारी। तो प्रीवियस ईयर में रिजल्ट परीक्षा बोर्ड अध्ययन का इतना अच्छा नहीं रहा, सीधी बात यह है। लेकिन अगर हम बात करें नूतन सुपर डाइजेस्ट की, तो 2019, 2020, 2022, 21 की बात नहीं कर रहे क्योंकि 21 में आपकी परीक्षा नहीं हुई थी। तीनों सालों में यहाँ पर 100% रिजल्ट बैठा है नूतन सुपर डाइजेस्ट का। इसका रीज़न सिंपल सा है, जो नूतन सुपर डाइजेस्ट होती है वो ज़्यादातर जो अपने प्रश्न का डिज़ाइन करती है वो प्रश्न डिज़ाइन करती है एनसीईआरटी से, और साथ में अपनी खुद की जो गाइड है उनकी नूतन, ठीक है, नूतन प्रकाशन आप लोग सभी जानते होंगे इसके बारे में, वहाँ से। तो इन दोनों का मिक्सचर जो होता है, इसकी वजह से नूतन सुपर डाइजेस्ट सबसे बेस्ट होती है। लेकिन अगर हम लोग बात करें परीक्षा बोर्ड परीक्षा अध्ययन की, तो ये अपनी खुद की जो गाइड चलाते हैं आप लोग जानते होंगे, नूतन जो हमारी परीक्षा बोर्ड है वो युगबोध ही है एक तरह से। तो युगबोध नवबोध जो है हमारी, उनकी नवबोध प्रकाशन चलती है और परीक्षा अध्ययन शिवलाल प्रकाशन से उत्प्रेरित है। ओके तो ये रहेगा। लेकिन बात करें नूतन सुपर डाइजेस्ट क्यों बेस्ट है, तो बेस्ट होने का रिजल्ट आप लोग आगे वीडियो में देखोगे, लेकिन अभी आप इतना जान लो कि रिजल्ट में 3 सालों में सबसे बेस्ट रिजल्ट दिया है नूतन सुपर डाइजेस्ट में। आगे हम बात करते हैं सेकंड की, जो कि हमारा फॉर्मेट है। तो फॉर्मेट आप लोग सभी जानते हो परीक्षा बोर्ड परीक्षा अध्ययन का क्या होता है, आगे सेट्स दिए होते हैं, बीच में सॉल्यूशन दिए होते हैं और एंड में आपको प्रीवियस ईयर के पेपर देखने को मिल जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें नूतन सुपर डाइजेस्ट की, तो नूतन सुपर डाइजेस्ट में आगे सेट्स नहीं दिए होते हैं, पीछे सेट्स दिए होते हैं और वहीं पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिए हुए होते हैं, ठीक है। लेकिन जो आगे जो चीज़ें दे रखी हैं इन्होंने, वो दे रखी है यहाँ पर जो भी हमारे चैप्टर्स हैं, वो जो चैप्टर्स हैं हमारे उनके सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रखे हैं, ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड कर रखे हैं और सबसे खास बात पॉइंट्स टू रिमेंबर यहाँ पर दे रखे हैं। मतलब जैसे ही आप लोग चैप्टर स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले आपको पॉइंट्स टू रिमेंबर देखने को मिल जाएंगे, कि अगर आप ये पॉइंट्स याद करके चलते हो तो आपको ये चैप्टर बहुत आसान लगने वाला है। और साथ में आपको फॉर्मूले दिए हुए होते हैं, जो चैप्टर में फॉर्मूले होते हैं, ये बात है।
और फॉर्मूले भी ऐसे वैसे नहीं होते हैं जो कि प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, पिछले 15 सालों के पेपर इनके पास हैं और 15 सालों के पेपर से देखकर ये बनाए जाते हैं। ओके, साथ में रिड्यूस सिलेबस ब्लूप्रिंट का भी ध्यान यहाँ पर रखा जाता है। ओके, आगे हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स की। ठीक है, ऑब्जेक्टिव मैथ्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि अगर हम बात करें दूसरे सब्जेक्ट की तो दूसरे सब्जेक्ट में जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो आसान होते हैं। आसान का मतलब ये है कि कम समय लेते हैं। अगर आप लोग ऑब्जेक्टिव देखोगे किसी और सब्जेक्ट के तो वहाँ पर ऑब्जेक्टिव एक एक मिनट में, दो दो मिनट में हो जाते हैं। लेकिन अगर हम मैथ्स की बात करें तो कभी कभी क्या होता है, ऑब्जेक्टिव में हमें 5 से 10 मिनट लग जाती है एक ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने में। तो यही बात है कि जो परीक्षा बोर्ड परीक्षा अध्ययन है उनमें ऑब्जेक्टिव के डायरेक्ट सॉल्यूशन दे रखे होते हैं। ऑब्जेक्टिव को उन्होंने कुछ सॉल्व नहीं करवाया होता है, उन्होंने डायरेक्ट क्या दे रखे होते हैं, सिर्फ डायरेक्ट उन्होंने उत्तर दे रखे होते हैं। जो भी उसका उत्तर होता है, जो भी आंसर होता है, वो दे रखे होते हैं। ओके, लेकिन ये बात नूतन सुपर डाइजेस्ट को डाइजेस्ट नहीं हुई, आप लोग समझ सकते हो। तो नूतन सुपर डाइजेस्ट ने क्या किया है, ऑब्जेक्टिव्स के जो सॉल्यूशन है वो तो दे रखे हैं, साथ में उनकी हिंट भी दे रखी है आपको कि भैया अगर आप लोग किसी ऑब्जेक्टिव में फंस जाओ तो उसकी हिंट देख लो। और हिंट भी ऐसी वैसी हिंट नहीं है, एक तरह से पूरा सॉल्व ही करवा दिया ऑब्जेक्टिव को। ओके, तो हिंट को आप लोग एक तरह से समझ सकते हो सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है ऑब्जेक्टिव का। तो ये बात खास बनाती है नूतन सुपर डाइजेस्ट को कि इन्होंने हर एक ऑब्जेक्टिव की हिंट दे रखी है आपको। ओके, तो इस वजह से भी ऑब्जेक्टिव के मामले में नूतन सुपर डाइजेस्ट का रिजल्ट सबसे बेस्ट होता है। तो आगे हम बात करेंगे सॉल्यूशन की, क्वेश्चन के जो सॉल्यूशन होते हैं उसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। तो नूतन सुपर डाइजेस्ट की जो भाषा होती है काफ़ी ज़्यादा आसान होती है परीक्षा बोध अध्ययन के मामले में, क्योंकि परीक्षा बोध जो है, परीक्षा अध्ययन जो है, वो अपनी जो गाइड है, नॉर्मल जो गाइड आती है उनकी या फिर बुक आती है उनको फॉलो करती है, उनकी जो भाषा होती है उसी को लिखती है। लेकिन नूतन सुपर डाइजेस्ट क्या करता है, वो कंपेयर करता है एनसीईआरटी से और नूतन की जो प्रकाशन आती है उससे। जिसका सॉल्यूशन अच्छा होता है उसी को नूतन सुपर डाइजेस्ट में दिया जाता है। और आप लोग सभी जानते हो जिन बच्चों के पास नूतन की जो गाइड होती है या फिर बुक होती है, वो अगर किसी के पास है उसमें आप लोग जानते होंगे कितनी आसान भाषा में चीज़ों को समझाया जाता है। ओके, पहले जब 2019 से पहले की अगर हम बात करें तो एमपी बोर्ड में नूतन की जो गाइड होती थी, नूतन की जो प्रकाशन होती थी उसी पर फोकस किया जाता था, वहीं से प्रश्न आते थे। 80 से 90% स्कूलों में नूतन से ही पढ़ाया जाता था। ओके, तो अभी भी वही बात है, नूतन सुपर डाइजेस्ट जो है ये इस समय बेस्ट है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर भाषा काफ़ी आसान है। 15 साल के पेपर आपको देखने को मिलेंगे, मतलब डायरेक्ट नहीं देखने को मिलेंगे, लेकिन जो क्वेश्चंस होते हैं वो 15 साल के क्वेश्चन से ही देखने को मिलते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो क्वेश्चंस होते हैं वो एनसीईआरटी के भी आपको देखने को मिल जाएंगे। एनसीईआरटी के जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। लास्ट टॉपिक हमारा आता है जो है एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा क्या है अगर हम लोग कंपेयर करें तो नूतन सुपर डाइजेस्ट के जो प्रारूप होते हैं जो कि अंत में दिए होते हैं, जिनको आप लोग सेट भी बोल सकते हो या मॉडल पेपर बोल सकते हो, ये किसी भी गाइड के कंपेयर में सबसे बेस्ट होते हैं। क्योंकि ये जो प्रश्न है ये बहुत ज़्यादा प्रश्न अच्छे प्रश्न होते हैं, ये बहुत ज़्यादा एनालिसिस करते हैं नूतन सुपर डाइजेस्ट। परीक्षा बोर्ड परीक्षा अध्ययन क्या करती है, इनके पास बहुत सारा काम होता है। काम का मतलब ये है, परीक्षा बोर्ड परीक्षा अध्ययन 9th क्लास की भी आती है, 10th की भी आती है, 11th की भी आती है, 12th की भी आती है, सारे सब्जेक्ट की आती है, हिंदी इंग्लिश में भी आती है। तो आप लोग सोच सकते हो परीक्षा बोर्ड वाले एक पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर इतना फोकस नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो नूतन सुपर डाइजेस्ट है, नूतन जो है, नूतन प्रकाशन जो है, वो यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ के ऊपर फोकस करता है, वो है नूतन सुपर डाइजेस्ट। इसी को बनाने में वो पूरा साल लगा देते हैं, अच्छे से रिसर्च करते हैं, तब जाके आपके सामने वो लेके आ पाते हैं। प्राइस की बात करते हैं तो प्राइस इसका ज़्यादा होता है नूतन सुपर डाइजेस्ट का, ये आपको 180 रुपये में मिल जाएगी। ओके, ये बात रहेगी। और इसकी जो PDF वगैरह जो रहेगी वो हम आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। ओके, इसकी वीडियो सीरीज़ बनाने वाले हैं। तो ये रहेगा इस वीडियो में, आपको समझ में आया होगा वीडियो, ये हम लोग उम्मीद करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर देना इस वीडियो को, अपने सारे दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करना ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो करते हैं वीडियो को एंड। थैंक यू एवरीवन।